हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल लाल क्लासेज में। मैं मुकेश लाल आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफी खास होने वाला है जो इस बार टेंथ का एग्जाम दे चुके हैं या टेंथ का एग्जाम पास कर गए हैं, क्योंकि टेंथ के एग्जाम के बाद आपको आईए करना चाहिए, आईएससी लेना चाहिए, आईकॉम लेना चाहिए या आईटीआई या फिर डिप्लोमा आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में पूरा डिटेल हम इसी के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पहला बार देख रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो हम आपको और जो है आगे जो है वो लगातार देते रहते हैं। देखिए, जो भी बच्चे टेंथ क्लास एग्जाम जो पास कर गए उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने जो है एक अच्छा ग्रेड से ही आपने जो है टेंथ का एग्जाम जो है पास कर लिया है। अब आपके पास समस्या क्या है, आपके पास सबसे पहला समस्या ये आ जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको आईए इंटर करना चाहिए या फिर आपको आईटीआई करना चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है वो इन्हीं तीनों के ऊपर बच्चों का फोकस रहता है, तो इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर हम लोग बात जो है सबसे पहले करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको डिप्लोमा करना चाहिए तो कौन से ट्रेड से करना चाहिए, आईटीआई करना चाहिए तो कौन से ट्रेड से करना चाहिए, मैकेनिकल लेना चाहिए, सिविल लेना चाहिए, इलेक्ट्रिकल लेना चाहिए या फिर इसी या फिर कंप्यूटर साइंस, आपको क्या कौन सा जो है वो ट्रेड चूज करना चाहिए, ये सभी चीजों के रिगार्डिंग में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिप्लोमा के ऊपर, डिप्लोमा से आपको क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा, उसके बाद पूरे अंत में हम लोग बात कर लेंगे कि जो है वो आपको करना क्या चाहिए, फाइनली डिसीजन हम लोग जो है वो बात कर लेंगे सभी देखने के बाद। अगर आप डिप्लोमा का प्लान करते होंगे तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो डिप्लोमा होता है आपका 3 ईयर का प्रोग्राम होता है, 10th क्लास के बाद आप उसे कर सकते हैं, उसमें आपको 3 साल का समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईटीआई अगर आप करते हो तो उसमें आपको 2 साल का समय देना पड़ेगा, अगर आप इंटर करते हो तो उसमें भी आपको 2 साल का समय देना पड़ेगा, यानी डिप्लोमा के लिए पॉलिटेक्निक के लिए आपको 3 साल और बाकी दोनों चीजों के लिए आपको 2 साल का जो है वो समय आपको लगता है। कहीं कहीं भी जो आईटीआई होता है वो 1 साल का भी होता है, जैसे अगर आप डीजल से करेंगे तो डीजल जो होता है वो 1 ईयर का होता है, 1 साल में आपका कंप्लीट हो जाता है, जिससे रेलवे में बहुत बार वैकेंसी आता है। लास्ट ईयर ही जो वैकेंसी आया था उसमें रेलवे में बच्चे जो है सिलेक्ट हो गए और डीजल कैटेगरी से वो लोको पायलट या तो फिर वो टेक्नीशियन जो है वो बन गए हैं। देखिए, अगर आप डिप्लोमा करिएगा तो डिप्लोमा का बहुत सारा स्कोप है। अगर आप बात करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत सारा स्कोप है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्री हैं, चाहे वो मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री हो, चाहे जितने भी आप कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुनते हैं, उन सभी कंपनी में आपको जो है नौकरी मिल सकता है। मिनिमम जो है 25,000 से जो आपका वो सैलरी जो है स्टार्ट हो जाता है, इन प्राइवेट कंपनी के भी बात कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आपको सरकारी यानी नौकरी लग जाता है तो उसमें बल्ले ही बल्ले, उसमें आपको बहुत सारा जो है पैसा आपको स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट की तरफ से मिलना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब बहुत सारे जो नवरत्न कंपनियां हैं या महारत्न कंपनियां हैं, जिसके रिगार्डिंग में हम एक वीडियो आपको स्पेशल बना देंगे, वहां पे देख सकते हैं कि कौन कौन सा नवरत्न कंपनी है भारत में या कौन कौन सा महारत्न कंपनी है, उन सभी के विषय में भी आप जानकारी जो है प्राप्त कर लेंगे। अगर आप आईटीआई की बात कीजिएगा तो आईटीआई के, अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो आईटीआई में भी आपके पास प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा स्कोप है और सरकारी में भी बहुत सारा स्कोप है। खासकर जो बच्चे रेलवे का तैयारी करते हैं या एएलपी या टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, रेलवे में जाना चाहते हैं, तो वो आईटीआई जो है वो जरूर करते हैं। इसके अलावा सेल हो गया, डीआरडीओ, भेल, इसरो, जितने भी नवरत्न या महारत्न कंपनियां होती है उन सभी में आपके लिए हमेशा जो है वैकेंसी निकलता रहता है। और इसके साथ साथ जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो भी निकालती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वगैरह होता है, तो वहां पे भी आईटीआई का जो वैकेंसी हमेशा जो है वो निकाला जाता है। अगर 10+2 का बात करेंगे माय डियर, तो देखिए 10+2 करने में आपको क्या होगा, सबसे पहले तो 2 साल का आपको समय लगेगा। 10+2 में देखिए 3 सब्जेक्ट आपको जो है वो चूज, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप आईएससी लोगे, या तो आईकॉम लोगे, या तो क्या लोगे, तो आपको आईए लेना पड़ेगा। अगर सबसे पहले आईए की बात करेंगे तो देखिए आईए में क्या होता है कि उसमें आपको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और अगर आपका टारगेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होगा, यानी अगर आप आईएएस बनना चाहते होंगे, आईपीएस बनना चाहते होंगे, या आपका पहले से ही लक्ष्य एकदम फिक्स है कि हमको जब भी जाना है तो सिविल सर्विसेज में जाना है या किसी बड़े बड़े जो ऑफिसर गेट का जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे जाना है, तो आप जो है वो आईए ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट आपको वो सारा पहले से ही पढ़ लेते हो 2 साल में, जो कि आगे चल के आपको बहुत जो आता है वो काम आता है। अगर आईकॉम की बात करेंगे तो देखिए
जो भी बच्चे सीए का जो तैयारी करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, वो जो बच्चे हैं वो आईकम करते हैं, आईकम का जो है वो स्कोप और भी बहुत जगहों पे जैसे अकाउंटिंग वगैरह में भी आईकम का जो स्कोप होता है, तो आप चाहे तो आईकम भी जो है वो ले सकते हैं। ये भी एक जो है वो अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। इन सभी में देखिए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो सबसे ज्यादा जो बच्चे जो चूज करते हैं वो है आपका आईएससी, क्योंकि आईएससी का मतलब हो गया आपको साइंस, और साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आप लेते हैं। अगर आप मैथ चूज करते हैं तो मैथ से आपको इंजीनियरिंग फील्ड में आपको लाइन जो है वो खुला रहता है, इसके साथ साथ मेडिकल लाइन में भी आपको जो है वो खुला रहता है, बट आपको एक्स्ट्रा में बायो जो है वो होना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा में बायो नहीं, एक्स्ट्रा में मैथ आपका होता है, आप बायो जो है अपना प्रथम सब्जेक्ट ले सकते हैं, बाद में आप जो है मैथ को आप एक्स्ट्रा में जो है वो ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बहुत सारे एग्जाम में जो है वो फायदा मिल जाएगा। तो अगर आप आईटीआई आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला चाहते हैं, या आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आप आगे चल के पीजी या फिर आप एमएससी करना चाहते हैं और रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए जो होगा वो आईएससी सबसे बेहतर और सबसे उत्तम जो होता है उपाय होता है। और हमारा ये पर्सनल सजेशन रहता है बच्चों को कि सबसे पहले इंटर में जो है वो आईएससी अवश्य कर लेना चाहिए, ताकि बेसिक जो साइंस होता है उसकी आपको नॉलेज हो जाए। उसमें भी अगर आपको मान लीजिए पहले से टारगेट है कि हमको इंजीनियरिंग करना है, तब तो आप मैथ से कीजिएगा, और अगर आपका इंजीनियरिंग टारगेट नहीं होगा, कोई भी अन्य चीज का टारगेट होगा, तो आप हमारा सजेशन रहेगा आप जो है वो बायो से कीजिएगा। लेकिन अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, एनडीए या जैसे जो इंडियन नेवी वगैरह का जो एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं, वहां पे आईएससी में मैथ से जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, मैथ उसमें पूछा जाता है। तो अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं एनडीए में, या फिर इंडियन आर्मी में, या फिर या आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, तो एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में फिर आर्मी में आप जाना चाहते हैं, अगर आईएससी लेवल से जाना चाहते हैं, तो वहां पे आईएससी का जो है वो एग्जाम जो है वो पूछा जाता है, आईएससी के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको आईएससी यहाँ पे जो है वो कर लेना चाहिए। अब देखिए कुल मिला के बात क्या है, आपको कुल मिला के बात यह है कि आईएससी में आपको 2 साल का समय लगने वाला है, जिसमें आपको जो है वो 2 साल का समय आईकम में भी लगने वाला है, आईए में भी लगने वाला है। तो अगर आपको पहले से अगर आपका टारगेट फिक्स है कि आपको क्या करना है, तो आप आईएससी ले सकते हैं इंजीनियरिंग वाले, और जो मेडिकल वाले होंगे वो मेडिकल वाले क्या ले लीजिएगा, बायो से आईएससी कर लीजिएगा, और जो जिनको सीए हुए का तैयारी करना होगा वो क्या कर लीजिएगा, आप आईकम कर लीजिएगा। अब देखिए इसके अलावा जो भी बच्चों को सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करनी होती है, या बीपीएससी या जेपीएससी या कोई भी ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम का तैयारी करना होता है, तो आप क्या ले लीजिएगा, आईए ले लीजिएगा। अगर आपको पॉलिटेक्निक करना है, डिप्लोमा करना है, आपको स्टार्टिंग से ही जॉब करने का मन है, तो आप डिप्लोमा कर लीजिए, आईटीआई बेस्ट उपाय होता है उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसा कम होता है। कम पैसे में भी आप 2 साल में एक टेक्निकल डिग्री आपके हाथ में आ जाता है, जो सरकारी वैकेंसी निकलता है तो उसमें आईटीआई का बहुत ज्यादा डिमांड होता है। तो मेरा पर्सनल सजेशन आपसे यही रहेगा कि अगर आप आईएससी करना चाहें तो आप आईएससी कर लीजिए, और अगर आपको पॉलिटेक्निक में और आईटीआई में अगर कोई एक चूज करना पड़े, तो अगर सरकारी से पॉलिटेक्निक हो जाता है, सरकारी स्कूल से अगर आपको डिप्लोमा हो जाता है, तो आप सरकारी स्कूल से कर लीजिए, और उसके बदले में आप जो है वो आईटीआई कर लीजिएगा, क्योंकि आईटीआई की डिग्री आपको 2 साल में जो है मिल जाएगा, और अगर 1 साल वाला करना चाहेंगे तो 1 साल वाला भी आप कर सकते हैं, और आपको 2 साल में अगर कोई वैकेंसी आएगा तो आप फॉर्म कम से कम क्या हो सकते हैं, तो भर सकते हैं। अगर ट्रेड की बात करेंगे, सर कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, तो अगर डिप्लोमा करना चाहेंगे तो डिप्लोमा में अभी के टाइम पे बता रहे हैं सिविल जो है सबसे बढ़िया है, आप सिविल ले लीजिएगा, और उसके बाद मैकेनिकल, उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रिकल, ठीक ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट में से कोई आप एक जो है वो प्रीफर कर सकते हैं। बट अगर आपका मन है कि नहीं सर हमको तो कंप्यूटर में ही लगाव है, हमको तो कंप्यूटर ही लेना है, तब आप ले सकते हैं दैट केस में। आईटीआई की अगर बात करेंगे तो आईटीआई में देखिए इलेक्ट्रिकल, याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल और फीटर, ये दोनों जो होते हैं इलेक्ट्रिशियन और फीटर, ये जो होते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं। बट इसके अलावे और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे वेल्ड, ठीक है ना, या आईसी इंजन वाले भी होते हैं, या डीजल इंजन वाले होते हैं, तो उन सभी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसका स्कोप थोड़ा सा जो है वो आपको कम देखने को मिलेगा। रिगार्डिंग इन सभी के कंपेरिजन में हम लोग बात करेंगे तब, इलेक्ट्रिकल और फीटर के कंपेरिजन में बात करेंगे तब। ओके, तो ठीक है फिर, तो आज का वीडियो यही रहने देते हैं, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आ गया होगा, और आप जो है वो अपने तरीके से डिसाइड कर लीजिएगा आपको साइंस लेना चाहिए या आईटीआई करना चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। ज्यादा प्रीफर कीजिएगा कि पहले 2 साल आप आईएससी कर लीजिए, और आईएससी करने के बाद जो है वो आपको जो करना होगा वो आप कीजिएगा। इससे आपका ब्रेन का विकास हो जाता है 2 सालों में, इन 2 सालों में आपका ब्रेन का विकास हो जाता है, आपको जो है सोचने समझने की कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे आप कैरियर जो है बिल्कुल आसानी से चूज कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।